आप सभी का स्वागत है चेचे किचन एंड ब्लॉग्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से टेस्टी नाश्ता रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 4 से 5 ब्रेड ली हैं, साथ में लिया है मक्खन जिसे मैंने पिघला लिया हल्का सा, हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, हर्ब्स और साथ में लिया लहसुन जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया और स्वाद अनुसार लिया है नमक। सबसे पहले हम अपनी मक्खन में इसे थोड़ा सा मेल्टी डॉट कर लेंगे, पिघला सा लेंगे। हमने अपने मक्खन को कर लिया, अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, हर्ब्स, हरा धनिया, लहसुन, और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और साथ में हम अपनी ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर एक कटोरी इस तरीके से रख के और इसे हम हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे ये साइड है ये सारी हट जाएंगी और हमारी ब्रेड कुछ इस टाइप की हमें मिलेगी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी कर लेते हैं। हमने अपनी सारी ब्रेड उसी तरीके से काट ली है। अब इसके बाद हम इसको हल्का सा बेलेंगे बेलन से, इसे हल्का सा हम अपने बेलन से बेल लेंगे कुछ इस टाइप से और इसी तरीके से हम सारी बेल लेते हैं। हमने अपनी सारी ब्रेडों को बेल लिया है, अब इस पर अप्लाई करेंगे जो हमने मक्खन का जो पेस्ट बना के रखा है उसे। हम चम्मच की सहायता से, आप चाहें तो ब्रश की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। हमने इसे अप्लाई कर लिया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इस पर हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, पर हमने अंदर से मक्खन लगाया है तो ये चिपक जाएगा। और फिर एक फोक की सहायता से इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हैं ये एक बन के तैयार है। इसी तरीके से हम अपने सारे बना लेते हैं। हमने सबको इसी तरीके से भर के तैयार कर लिया, अब इसके ऊपर हम दोबारा से अपना मक्खन वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम दोबारा से मक्खन वाला जो हमारा पेस्ट है, आप चाहें तो सादा मक्खन भी लगा सकते हैं, पर इस तरीके से लगाने से देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से अप्लाई कर लिया है और इस पे हम गैस को हमने ऑन कर दिया है, इसे इस पे रख देंगे गैस पे, और गैस का फ्लेम इस टाइम हमने कम रखा हुआ है और दूसरी साइड से भी हम इसे अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो सारी एक साथ लगा के और फिर एक साथ सेक सकते हैं। हमने दोनों साइड इसके मक्खन लगा दिया है, अब इसे हम सेक लेंगे जब तक इसका सुनहरा सा कलर ना आ जाए धीमी गैस पे। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेक लेंगे। हल्का हल्का कलर आप देख सकते हैं इनका चेंज हो गया, इसे हम एक बार और पलट लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक चुके हैं, गैस को कर देंगे हम बंद और इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारा ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।